अंदर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, उसको रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था, जिसके तहत पूरे दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। पिछले 3 दिन पहले दिल्ली में AQI का स्तर 300 से आगे चला गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो 250 के आसपास है, लेकिन आगे प्रदूषण ठंड बढ़ने के कारण बढ़ने की संभावना है। उसमें एक नया फैक्टर ये देखा जा रहा है कि PM10 की मात्रा जो है धीरे धीरे कम हो रही है और PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। PM2.5 की मात्रा बढ़ने का मतलब होता है कि गाड़ियों का प्रदूषण, बायोमास बर्निंग का प्रदूषण बढ़ रहा है। गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए, जैसे धूल प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए आज से पूरे दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। आज जो ये अभियान शुरू हुआ है 28 तारीख को 12 खंभा चौराहे पर किया जाएगा, 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पर किया जाएगा, 2 तारीख को 70 विधानसभा क्षेत्रों में विधान हमारे विधायकों के नेतृत्व में किया जाएगा और 3 तारीख को 2000 स्कूलों में, कॉलेजों में जहां इको क्लब्स हैं वहां पर इसको किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि इस बार इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को एक पब्लिक कैंपेन में तब्दील किया जाए। हमारी दिल्ली के लोगों से अपील है कि हम सब लोग जब घर से निकलते हैं प्रतिदिन 10 से 15 रेड लाइट हम क्रॉस करते हैं। आदत हमारी ऐसी है कि रेड लाइट हो जाती है तब भी हम इंजन अपना चालू रखते हैं, यानी कि एवरेज हम बेवजह आधे घंटा फ्यूल जो है बर्निंग करते हैं और उससे दिल्ली में प्रदूषण होता है। अगर दिल्ली के लाखों लोग जो गाड़ियां लेकर सड़क पर उतरते हैं हर रेड लाइट पे अगर अपना इंजन बंद कर देते हैं तो प्रतिदिन आधा घंटा जो हम फ्यूल बर्निंग कर रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हम अपना नाम पर्यावरण मित्र में लिखा सकते हैं। हम ऐसे लोगों में अपना नाम लिखा सकते हैं जो पर्यावरण को कम करने वालों में शामिल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज से ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू हो रहा है। देखिए ये बहुत एक बेहतरीन अभियान है, युद्ध स्तर पर प्रदूषण के विरोध पे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कॉल पर उन्होंने हर पिछले कई सालों से इस मुहिम को दिल्ली की सड़कों पर लाया जा रहा है और जब जब हम इसको पॉल्यूशन से आने से पहले जब हम अपनी तैयारी करते हैं तो ये बेहतरीन कामयाबी की तरफ जाता है और युद्ध स्तर पर काम होता है। आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे विधायक, पार्षद, हमारे मंत्री, खुद मुख्यमंत्री साहब खुद सड़कों पर हैं, तो मैं समझता हूँ जब जनता से ये अपील करते हैं कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, तो ये मुहिम हमेशा से कामयाब रही है। पिछले कई सालों से हमने देखा है बहुत पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिले, तो इस बार भी हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुली जा रहा है। और अभी से हमने देखा है कि हम इतनी देर में जनता के बीच में लोगों के रेड लाइट पर गाड़ियों के पास जाते हैं, लोगों ने ऑलरेडी खुद अपनी गाड़ी को ऑफ कर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे अगर हम इसी मैसेज के साथ और इसी तरीके की कुछ 2-4 ड्राइव करेंगे दिल्ली की जनता के बीच में मिलकर, उनके साथ मिलकर, तो हम दिल्ली में पॉल्यूशन के हालात बिगड़ने नहीं देंगे। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री माननीय गोपाल राय जी ने यहाँ पर रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, गाड़ी ऑफ का कैंपेन शुरू किया है, जिससे दिल्ली के प्रदूषण में सुधार होगा, दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले लोग हर बत्ती पर लगभग दिल्ली में गाड़ी चलाते समय 15 से 20 बत्तियों को पार करते हैं। अगर वो उन बत्तियों पर अपने इंजन को ऑफ रखेंगे तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन भी कम होगा और फ्यूल की बचत भी होगी और साथ साथ जो दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा था पॉल्यूशन घटेगा, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार की इस मुहिम के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल जी की मुहिम के माध्यम से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। अगर हम इस मुहिम में साथ देंगे तो मैं दिल्ली के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जब भी रेड लाइट पे आएं अपनी गाड़ी को ऑफ करें। देखिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार प्रदूषण के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। अभी पिछले दिनों हम सब ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से विंटर एक्शन प्लान जारी किया था, जिसके तहत हर एक माध्यम से प्रदूषण को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में आज से दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ का कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये हमेशा से सर्दियों में जब भी प्रदूषण बढ़ता है
तब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये इस कार्यक्रम को लागू करती है। आज से दिल्ली के आईटीओ से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें हम सारे लोग दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं कि जब भी आप अपने घर से निकलें और कहीं भी आपको रेड लाइट पर सिग्नल ऑन मिले यानी बत्ती ऑन मिले तो अपनी गाड़ी का इंजन आप ऑफ कर लीजिए। इससे आप दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने में आपकी हिस्सेदारी होगी, आपके भागीदारी होगी, साथ ही साथ आपके गाड़ी के का तेल भी बचेगा, डीजल पेट्रोल भी बचेगा। तो मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हर एक काम में दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल जी का आप साथ देते हैं, आज से इंजन रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ का कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज से जो अपने घर से बाहर निकलें, कहीं भी अगर आपको रेड लाइट ऑन मिले तो आप अपने गाड़ी की बत्ती, गाड़ी का इंजन ज़रूर ऑफ करें। ये हम सबसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, और इससे आप दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की जो प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की लड़ाई है उसमें आप हिस्सेदार बनेंगे, उसमें आप भागीदार बनेंगे। आज के बाद हम लोग दिल्ली के विभिन्न चौराहों पर जाएंगे और इस तरीके का कार्यक्रम चलाएंगे। साथ ही साथ इस एक पूरे दिल्ली के अंदर 70 के 70 विधानसभाओं में रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ का कार्यक्रम चलाया जाएगा। हम एक बार पुनः दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आप जब भी देखें कि रेड लाइट ऑन है तो अपने गाड़ी का इंजन ज़रूर ऑफ करें। धन्यवाद।